रणधीर सिंह गोलन विधायक पुंडरी व चेयरमैन हरियाणा पर्यटन विभाग ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पुंडरी में सरेआम सट्टा चल रहा और पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पुलिस प्रशासन जल्द ही हरकत में नहीं हुआ तो मुझे उनको संभालना अच्छी तरह से आता है। इसी तरह रेवेन्यू विभाग पर भी बरसे। रणधीर सिंह गोलन ने कहा कि तहसील में भी भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से हावी है और पुंडरी को अफसर शाही ने अपने कब्जे में ले रखा है। अगर इसी तरह भ्रष्टाचार हावी रहा तो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें कहा कि मुझे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना अच्छी तरह आता है। हो सकता है मेरा तो किसी पर राजनीति संरक्षण प्राप्त नहीं, मेरा खुद का तो मेरे को आप पत्रकार साथियों कुछ भी लियो, मैंने आज तक किसी अधिकारी से नया पैसा लिया ना मिले। जनता के काम बगैर पैसे के नहीं बनेंगे तो सोचना नहीं, नहीं 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 नहीं। देखो इसमें समाज का भी कर्तव्य बनता है, जनता का भी कर्तव्य बनता है। अगर कोई अधिकारी पीछे मांगता है हमारे को बताया, आज तो कोई बताता नहीं। आप भी सामाजिक संस्थाओं ने ये बात बता दी, 5-7 दिन से मेरा मन बड़ा खराब है भी मेरी विधानसभा में ऐसा चल रहा है। मैं किस चीज़ का नेता हूँ जी? अगर मैं अपनी जनता की गरीब आदमी का भला नहीं कर सकता, मेरे को विधायक रहने का क्या अधिकार है? नहीं रहना चाहिए। और मैं जल्दी इसमें संज्ञान में मेरे मामला आया है, सभी अधिकारियों से भी बुला के, मैंने कुछ अधिकारियों से बुला के बात करी, कुछ अच्छे अधिकारी भी हैं जो काम करते हैं। कोई सारे डिपार्टमेंट ऐसा नहीं भी सारे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मैं बधाई भी देना चाहूँगा कि मेरे हल्के के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ 2-3 डिपार्टमेंट हैं, विशेष तौर से पुलिस डिपार्टमेंट और एक तहसील डिपार्टमेंट, जिसमें मेरे पास बार बार पैसे लेने की खबरें आती हैं, उनके बारे में मैं जरूर संज्ञान लूँगा। पुंडरी से विजय मिगलानी की रिपोर्ट।